हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मेरे पास एक प्रोडक्ट है अनबॉक्स के लिए, जो कि है ऑटोफाई की तरफ से। तो बेसिकली ये है एक हाईवे फ्लैशर है, जिसमें 10 मोड्स आपको मिलते हैं, मतलब आपके इंडिकेटर्स 10 मोड्स में फ्लैश करेंगे। तो आइए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स क्या और हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो गाइस, ये है बॉक्स, ऑटोफाई लिखा है सब। तो इस सो गाइस, मैंने इसे अमेजोन से परचेस किया था 414 रुपीज़ में, पर आप यहाँ पर इसकी MRP देख सकते हैं 899 है। तो मुझे ये अमेज़ॉन से 461 रुपीज़ अप्रॉक्स मिला था मेरे को, कल मुझे डिलीवर्ड हुआ ही है। सो ये ऑटोफाई कंपनी राइडिंग गियर्स, कार एक्सेसरीज और बाइक एक्सेसरीज भी बेचते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। सो सबसे ऊपर हमें मिलता है एक थैंक यू कार्ड, और यहाँ पे QR कोड है जिसे स्कैन करके आप देख सकते कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं। सो उसके बाद हमें मिलता है, ओके, सो दिस इज़ अ वायरिंग डायग्राम, एक वायरिंग डायग्राम है। लेट मी फोकस, ओके। सो इंग्लिश में भी है ये, और मराठी और हिंदी में भी दिया हुआ है ये। तो आप ये इसे रिफ़र करके आप अपने कनेक्शंस कर सकते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट है वो बबल रैप में रैप करके आया। सो यस गाइस, तो गाइस ये है प्रोडक्ट ऑटोफाई हाईवे फ्लैशर V1 यूनिवर्सल 10 फ्लैश मोड। तो ये प्रोडक्ट करता ये है कि आपके जो इंडिकेटर्स रहते हैं उसको 10 मोड्स में ये फ्लैश कर सकते हैं, मतलब 10 डिफरेंट पैटर्न्स में, जो आपने नॉर्मल रहते हैं वैसे नहीं, 10 डिफरेंट पैटर्न्स में ये आपको फ्लैश कर सकता है। ये आपने ज़्यादातर आपने KTM बाइक्स में देखा होगा, ये ज़्यादातर KTM बाइक्स में यूज़ होता है, पर दिस इज़ यूनिवर्सल, आप ये किसी भी बाइक में यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं ये अपने पल्सर 220 में लगाने वाला हूँ। पर गाइस, एक बात का ध्यान रखें कि ये फ्लैशर सिर्फ LED इंडिकेटर्स के लिए है, आप इसे नॉर्मल इंडिकेटर्स में इंस्टॉल मत कीजिए, नहीं तो ये इट विल जस्ट ब्लो अप योर इंडिकेटर्स। लाइट बल्ब रहते जो नॉर्मल इंडिकेटर, उसमें इंस्टॉल मत कीजिए, ये सिर्फ LED इंडिकेटर्स के लिए। तो आपके पास अगर आपके इंडिकेटर्स नॉर्मल है, तो पहले आप उसे LED इंडिकेटर्स इंस्टॉल कीजिए आपके बाइक में, फिर ये लगाइए, क्योंकि ये रिकमेंडेड है सिर्फ LED इंडिकेटर्स के लिए। तो यहाँ पे वायरिंग है, 4 वायर है, इसमें से एक इंडिकेटर जाएगा और एक अर्थिंग जाएगा। देखते हैं हम लोग जाते और इसे इंस्टॉल करते हैं। सो गाइस, ग्रीन कलर का बॉक्स में, ग्रीन कलर का पैक है इसका। तो गाइस, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये किसी गैरेज वाले के पास जाके इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि इसका वायरिंग अगर आपको पता नहीं है तो आप मत कीजिए। आई विल रिकमेंड यू गो टू द मैकेनिक गाय एंड इंस्टॉल इट। सो चलिए जल्दी से जाते और इसे इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा, इसमें कितने फ्लैश मोड्स है। सो लेट्स गो। सो गाइस, द रेड एंड ग्रीन इज फॉर द रेड एंड ग्रीन है अपना इंडिकेटर्स के लिए, येल्लो ब्लैक जाएगा अर्थिंग, और येल्लो जाएगा अपना पावर सप्लाई। और गाइस, मैं एक बात बताना भूल ही गया कि आपको एक स्विच भी लेना पड़ेगा इसके जैसा। Thank you.
Thank you.